अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, देखिए आज हम आपको कहाँ लेकर आए हैं। हम आपको लेकर आए हैं लाहौरी ढेरा, और लाहौरी ढाबा भी इसको कहा जाता है। ये रेस्टोरेंट सिडनी में बैंक्सटाउन में लोकेटेड है, और यहाँ बेहतरीन किस्म का पाकिस्तानी नाश्ता यानी कि बुफे सिस्टम है। इसके अलावा इनके यहाँ डिनर और चाइनीज़ के बारे में मुझे पता लग रहा है कि बेहतरीन किस्म का यहाँ के जो शेफ़ हैं वो चाइनीज़ बनाते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि हम आपको ब्रेकफास्ट बुफे के आइटम्स आपको दिखाएंगे, और माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत इन्होंने ये रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। ये देखिए एंट्रेंस भी बहुत अच्छी है, और इनके यहाँ हमने सुना था कि बहुत अच्छा बुफे ब्रेकफास्ट कराया जाता है, तो आज हमने सोचा कि आज हम यहाँ का बुफे ट्राई करें ब्रेकफास्ट का, क्योंकि भाई पाकिस्तान की यादें बड़ी आती हैं, और कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर बेहतरीन सा नाश्ता कराया जाए तो वाई नॉट। ये देखिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के लिए आए हैं। ये देखिए इनके ब्रेकफास्ट में जो कि बफे है लाहौरी डेरा वालों का, ये आइटम्स हैं। ये इसके साथ कॉन्डिमेंट सर्व करते हैं, आपको फ्रेश योगर्ट मिलेगा यहाँ पर। ये देखिए इनके यहाँ चिकन टिक्का अवेलेबल है ब्रेकफास्ट में। हाँ जी बिल्कुल, ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का चिकन टिक्का, वो भी नाश्ते में, मज़ा आ गया। और जी आइए सेकेंड आइटम, सूजी का हलवा, ज़बरदस्त गरम गरम चीज़ें आपको यहाँ सर्व की जाती हैं, और बेहतरीन टेस्ट के साथ। ये देखिए यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त बीफ हलीम और लाहौरी पंजाबी साग भी अवेलेबल है, ये देख सकते हैं आप। जो साग लवर्स हैं वो आके यहाँ साग एंजॉय कीजिए, और यहाँ पे बीफ हलीम भी है। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पाए के साथ निहारी भी है और हलीम भी है। ये काफ़ी अच्छी जो है ना, एक समझे ब्रेकफास्ट नहीं है, ये एक ब्रंच सॉर्ट ऑफ इन्होंने किया हुआ है। ये देखिए पूरियां, गरम गरम ताज़ी पूरियां आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो बस आपका जब भी दिल चाहे पाकिस्तान की यादें आएँ, आप इनके रेस्टोरेंट में आइए, और मुझे कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए अपना कि आपको इनका रेस्टोरेंट कैसा लगा। इसके अलावा ये यहाँ पर नान भी सर्व करते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए बेहतरीन रेस्टोरेंट है, मज़ेदार खाने हैं, हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज की हुई है, हर खाना बहुत गर्म है, कोई चीज़ मुझे यहाँ पे पहले से रखी हुई नहीं महसूस हुई, हर चीज़ फ्रेश है। ये देखिए आप, चलते हैं जी यहाँ के ओनर मैनेजर और शेफ, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप ज़रा ज़ोर से बात कीजिएगा, आप मुझे बताइए कि आपका रेस्टोरेंट यहाँ कब से है। सिडनी में हमने लाहौरी ढाबा बनाया 2014 से है। 2014 से, ओके। और लाहौरी ढाबा का इसका जो सबसे पॉपुलर आइटम है वो लाहौरी ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट आपका सबसे अहम है यहाँ का, ओके ओके। लाहौरी ढाबे को ये आज़ादी भी हासिल है कि ऑस्ट्रेलिया में बाकायदा बरतूर लाहौरी ढाबा ने ही लाहौरी ब्रेकफास्ट इंट्रोड्यूस करवाया। ओके ओके, तो ये आज़ादी भी इसका है। और दूसरा डिनर में हमारा जो है वो पाकिस्तानी चाइनीज़ भी आपके यहाँ पाकिस्तानी फूड सबसे बेस्ट। अच्छा अच्छा, चाइनीज़ में सबसे ज़्यादा क्या आपके यहाँ, सबसे जैसे कहते हैं ना कि सुपर सेलर या सबसे ज़्यादा लोग जो पसंद करते हैं वो कौन सी डिश है? हमारे राइस जो है सबसे पॉपुलर है, एग फ्राइड राइस है। अच्छा, चिकन फ्राइड राइस है, एग फ्राइड राइस और चिकन फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस, चिकन मंचूरियन है। अच्छा, चाउमीन है, लॉबस्टर है। अच्छा, वेरी फ्राइड प्रॉन है, प्रॉन चिली। अच्छा, आपके यहाँ लॉबस्टर भी है? जी, जबरदस्त जबरदस्त। इसके अलावा हमारे पास जो है सबसे बीफ चिली ड्राई,
वेरी टेस्टी है, बीफ ड्राई चिली. ओके ओके ओके. सो लॉट ऑफ डिशेस. अच्छा अच्छा माशाल्लाह. मुझे काफ़ी लोग मुझे बता रहे हैं कि इनका ब्रेकफास्ट और से ज़्यादा डिनर भी इनका बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें चाइनीज़ डिशेज हैं. क्योंकि उमूमन चाइनीज़ हलाल का बड़ा चक्कर होता है जैसे बाहर के मुल्कों में, और अच्छा ऑथेंटिक चाइनीज़ जो है वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को आपका डिनर आइटम्स भी दिखाएंगे और बुफे बताएंगे. तो अभी आप मुझे बता सकते हैं कि आपके यहाँ ब्रेकफास्ट जो बुफे है इसमें माशाल्लाह बहुत अच्छे और बहुत सारे आइटम्स हैं, तो इसके क्या चार्जेस हैं पर एडल्ट और किड्स के क्या चार्जेस हैं? एडल्ट 35 है. ओके. बच्चे जो 5 साल तक बच्चे हैं वो फ्री होते हैं. ओके. और 5 से 10 साल और 11 साल के बच्चे हाफ. अच्छा अच्छा. तो कितने हैं जी 35 एडल्ट और बच्चों के 5 साल से ऊपर के बच्चों के क्या चार्जेस हैं? हाफ है. तो 35 का जो हाफ होता है जी आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो वो आपके बच्चों का होगा और बड़ों का 35 है. तो चलें जी इंशाल्लाह इनका फूड हम ट्राई करते हैं और आपको ट्राई करके बताते हैं कि खाने में जो है वो इनका खाना वाकई कैसा है. देखने में तो बहुत लजीज है और टेम्पटिंग है. चलें बहुत शुक्रिया आपके इंटरव्यू का. थैंक यू. ये देखिए बहुत ज़बरदस्त इनका, देखिए इन्वायरमेंट बहुत देखे ना बहुत ज़्यादा काउंट करता है. इन्वायरमेंट इनका बहुत अच्छा है, नीट टाइडी है, खाना गर्म है. इसके अलावा लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं वो बहुत खुश हैं इनके खाने से, इनकी सर्विस से, और लोग कह रहे हैं कि हम पिछले काफ़ी सालों से इनका ब्रेकफास्ट इंजॉय करने के लिए और खाना खाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं. तो चलते हैं आपको इनका खाना ट्राई करके बताते हैं कि कैसा है. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आपको यहाँ का खाना कैसा लगा? यहाँ का खाना तकरीबन 4-5 साल से नोएडा का खा रहा हूँ. अच्छा. और अरशद साहब के हाथ का खाना जो है ना मैं पिछले 20 साल से 18 से 20 साल. अच्छा माशाल्लाह. तो आप यहाँ ब्रेकफास्ट करने आते हैं या डिनर वगैरह भी कभी किया है? हर चीज़ यहाँ करना. अच्छा. क्योंकि यहाँ तो ये नहीं है कि ब्रेकफास्ट अच्छा है, यहाँ का लंच डिनर हर चीज़ अच्छी है. अच्छा अच्छा. ब्रेकफास्ट की खूबी ये है कि जो पाए है प्योर लाहौर का टेस्ट है. अच्छा. और आपका लाहौर वाले खाते सोचते दिमाग खाने जी जी बिल्कुल बिल्कुल. पाए नहारी, पाए नहारी, ये छोले हो गए, चने हो गए, और फिर गर्म गर्म पूड़ी आती है, नान आते हैं. अच्छा जी. तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि जो हम यहाँ पे आते हैं पूरी फैमिली आती है. आज मैं खिला हूँ. ओके ओके. पूरी फैमिली. अच्छा. तो सबसे स्पेशल चीज़ इनकी क्या है, आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद है इनका? मुझे जो इनकी सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो लाहौर का टेस्ट है. अच्छा जी. ठीक. वो हर जगह का ना एक बड़ा प्योर टेस्ट होता है, चाहे वो कराची है, चाहे वो पिंडी है, इस्लामाबाद है, और सब बहुत अच्छे. अच्छा. आपको कौन सा मैच करता है, सूट करता है? लाहौर के खाने की खूबी है कि वो बहुत अच्छे से भुना होता है. अच्छा समझ गए. वो कढ़ाई बेस्ड होता है, जिससे कढ़ाई बेस्ड होता है. ओके. तो इनका खाना जो है ना वो बड़ा प्योर लाहौर के जो जिसका हमारा खाना था. अच्छा, अच्छा. और बड़ा फ्रेश होता है. अच्छा, अच्छा. एक और बात मैं बताऊँ कि ये असल में चाइनीज शेफ है. अच्छा. हाँ. और यहाँ पे लॉबस्टर्स प्रॉन्स लॉबस्टर भी ऐसे बनाते हैं कि मेरा नहीं ख्याल उसमें मेरे को बनाता लिटरली. तो हम इंशाल्लाह कभी इनका डिनर पे भी करेंगे अपना प्रोग्राम और डिनर के हवाले से भी लोगों को बताएंगे. मैंने तकरीबन कुछ 100-150 लोगों के डिनर किए हैं चाइनीज के. अरे जबरदस्त. स्पेशल इनसे कहते हैं कि यार हमें मंचूरियन बनाए. अच्छी बात है. देखिए लोगों तक जाना चाहिए, क्योंकि असल में लोगों को पता नहीं है कि कहाँ पे. देखिए रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं लेकिन लोगों को ये नहीं पता कहाँ पे अच्छा और हमारे मेयार के मुताबिक खाना मिल रहा है. तो हम खाने का तो देखिए खाने का तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ठीक है, ये चलता ही खाने पे. अच्छा. ये तो ऐसा बिजनेस है कि अगर आपका खाना अच्छा नहीं है तो नहीं चलेगा. ठीक है जी. तो अच्छा. ओके जी. थैंक यू. नाइस टू मीट यू. अस्सलामुअलैकुम. अस्सलामुअलैकुम. आप लोगों ने यहाँ का खाना ट्राई किया, आपको खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. मैं फर्स्ट टाइम आया. अच्छा. तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा खाना होगा. अच्छा माशाल्लाह. मैं आज दोबारा अपनी फैमिली को लेके आया. ओके ओके ओके. ये जो छोले मैंने खाए आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं खाए. अच्छा. हालांकि पाकिस्तान में भी मैं छोले खाता हूँ बड़े शौक से. जी जी. मैं मुल्तान से हूँ. अच्छा मुल्तान से. लाहौर से जाकर खाता हूँ इसलिए कि वहाँ लाहौर के छोले अच्छे होते हैं. अच्छा अच्छा. लेकिन वहाँ पर भी आज तक किस किस्म के छोले खाए. तो आपने यहाँ का ब्रेकफास्ट बुफे इंजॉय किया आज अपनी फैमिली के साथ? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा. अच्छा जी. तो सबसे अच्छी क्या चीज़ है इनकी, आप बताइए हमारे व्यूअर्स को. मैंने तो सिर्फ फिलहाल नाश्ता किया है. नहीं नहीं, नाश्ते में सबसे अच्छा क्या है? वर्थ इट है ब्रेकफास्ट पे आना यहाँ पे? ब्रेकफास्ट में नेक्स्ट टाइम भी लेके आऊंगा अपने दोस्तों को रिकमेंड करूंगा. ओके ओके. चले. ये छोले बहुत अच्छे हैं. ओके चले. बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया. हलवा बहुत अच्छा है. अच्छा जी. थैंक यू. अच्छा जी, ये देखिए ये फैमिली ओन्ड बिजनेस है. ये इनकी वाइफ हैं और इनके बच्चे हैं. माशाल्लाह बच्चों के साथ और एक फैमिली है ये. बेसिकली इन्होंने इस रेस्टोरेंट को मिल के परवान चढ़ाया है
और बहुत ज़्यादा तारीफ इनके रेस्टोरेंट की मैंने सुनी थी, तो आज मैं आपका ब्लॉग बनाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो ये जो शेफ़ हैं, जो कि इनके हस्बैंड हैं, ये सब यहाँ पे सारी जितनी भी कुकिंग है ये करते हैं, और जो इनकी वाइफ हैं ये मैनेजमेंट यहाँ की संभालती हैं। तो मैनेजमेंट को तो मैं 10 out of 10 दूंगी, और खाना मैं इनका बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इनका खाना कितना है, 10 में से क्या स्कोर्स मैं इनके खाने को देती हूँ। तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि एक फैमिली जो है मिल के इस बिज़नेस को रन कर रही है, और बहुत अच्छा जो है लोगों ने मुझे अब तक बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। तो आपने ज़रूर आना है, इनका खाना ट्राई करना है, और हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़बरदस्त है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें वेलकम किया है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह इनका खाना ट्राई करके आपको बताते हैं। तो देखिए नाज़रीन, हमने इनका खाना लिया है, थोड़ी थोड़ी हर चीज़, और हम आपको खा के बताएंगे कि इनका खाना हमें जो है वो कैसा लगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इनकी पूरी, गर्मा गर्म ये पूरी हमारे पास आई है। इसका साइज़ चेक करिए, काफ़ी ह्यूज साइज़ है। ये देखिए, मैं इनके सबसे पहले चने ट्राई करूंगी। चने की सब लोगों ने मुझसे बहुत तारीफ की है, तो ये देखिए, और कोई इनका खाना बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है। कैसे लगे? बहुत मज़े का, स्पेशली छोले जो हैं वो बहुत मज़े के हैं। अच्छा जी, छोले भाई मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है, मैं ट्राई करके आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, थोड़ी थोड़ी चीज़ें इनकी सारी ट्राई करनी है। छोले तो बहुत मज़े के हैं फर्स्ट, उसके बाद मैं ट्राई करूँगा इनके पाए। छोलों में ना कुछ मुझे मज़े का ज़रा यखनी जैसा टेस्ट है, मज़े का टेस्ट है, मतलब प्योर ये लाहौरी खाना है। हाँ, स्पेशली लाहौरी वालों के लिए बहुत मज़े का है। थोड़ा सा हम हलवा ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए हलवा, बेहतरीन हलवा बना हुआ, गरम गरम हलवा है इनका। ये ना हमारी लैमसिंग ने आती है। ओके जी, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। ओह थैंक यू सो मच। ये देखिए हमारे लिए लैम की निहारी लाए हैं एज अ गिफ्ट। तो मैं आपको इसका क्लोजअप दिखा देती हूँ। ये देखिए ये देखिए, मैं हलवा इनका ट्राई कर रही हूँ। भाई हलवा और चने मेरी तरफ से 10 out of 10 है, अमेजिंग। आइए जरूर आइए अपनी फैमिली के साथ, वर्थ है यहाँ पे आना। बेहतरीन सा नाश्ता कीजिए अपने घर वालों के साथ, पाकिस्तान को याद कीजिए और हमें दुआएं दीजिए। अच्छा, ये इनकी बीफ की निहारी है, हम इसको भी ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं। अच्छा, ये निहारी के साथ गार्निश भी है। ये मैं निहारी इनकी ट्राई कर रही हूँ, जबरदस्त निहारी है भाई, मज़ा आ गया है मुझे खा के। भाई आप बताएं कैसा है व्यूअर्स को, थम्स अप करके दिखाएं। जो है वो छोले और ये वाली जो निहारी है भाई, ये निहारी बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत आउटस्टैंडिंग है। इस नान से ट्राई करें ये वाली, ये जो शेंग की निहारी है ये मेरे हस्बैंड ने ट्राई की है, बहुत ये जो मैंने अभी इन्होंने हमें ला के दी है कि ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ये देखिए, ये शेंग की निहारी इस कड़क नान के साथ आप खाएं, बताइएगा ज़रूर कि आपको यहाँ का खाना कैसा लगा। हमें तो बहुत पसंद आया, स्पेशली ये निहारी, ये नान देखिए। नहीं निहारी बीफ की भी बहुत ज़बरदस्त है, अमेजिंग, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। बहुत बड़ी बात है कि इतने दूर अपने मुल्क से रह के हमें बेहतरीन सा खाना, बिल्कुल टेस्ट वाइज जो है टेस्ट बहुत अच्छा, खाना इनका फ्रेश है, खा के आपको एक फ्रेशनेस महसूस हो रही है। मैंने और रेस्टोरेंट देखे हैं, आए तो बहुत अच्छा है, मस्त आए थे सब कुछ सारी चीज़ें, लेकिन ये है कि टेस्ट अच्छा नहीं है। पाए भी जरूर ट्राई करना, पाए भी, पाए मेरे हस्बैंड ट्राई करके आपको बताएंगे कि इनको पाए कैसे लगे।
एक और चीज़ तो मैं भूल ही गई, ये देखें इनका साग मज़े का। अब इनके मैं ट्राई करूँगा पाए। आप साग ट्राई करें इनका, आपको लग पता जाएगा अमेजिंग। भाई ओवरऑल खाना इतने मज़े का है कि मैं, मुझे खुद इतना यकीन नहीं था कि लोगों की बातों पे मैं नहीं आ रही थी। मैंने कहा था मैं खुद जाके ट्राई करूँगी। बहुत मज़े का खाना है, 10 out of 10 क्वालिटी वाइज, टेस्ट वाइज। और यहाँ जो जो इनके ओनर है ना और इनकी वाइफ है, इनका बहुत, इन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। और लिटरली वर्थ ट्राइंग है, अपनी फैमिली के साथ आइए। और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने नए ब्लॉग के साथ, नई जो है वो जगह के साथ। आपको बताते हैं कि भाई और क्या क्या जो है यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन आपने मुझे जो है बताना है ज़रूर फीडबैक में कि आपको हमारा खाना कैसा लगा। जब तक के मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त सी लस्सी इन्होंने हमें ब्रेकफास्ट में दी है। भाई ये लस्सी भी सर्व करते हैं बफे में, ज़रा दिखाइएगा इसको। ये देखिए हम पी के बताते हैं लस्सी कैसी है। कैसी है भाई? अमेजिंग, बहुत मज़े की है। अमेजिंग, बहुत मज़े की लस्सी है भाई, आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट बुफे में आपको मिलेगी। मज़ा आ गया।